बिहार में कांग्रेस डरी हुई है। ये डर साफ साफ तब दिखा जब रविवार की शाम कांग्रेस के 16 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद पहुंचाया गया। 15 फरवरी को बिहार में हाल ही में बनी एनडीए वाली सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। इससे पहले कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। ऑपरेशन लोटस, ये नाम फिर से चर्चाओं में जोर पकड़ रहा है। आप भी ये नाम अखबार की हेडलाइन, टीवी चैनल्स पर जरूर देख या सुन रहे होंगे। तो फिर क्या है ये ऑपरेशन लोटस, आइए आपको बताते हैं। ये शब्द 2008 में पहली बार कर्नाटक में सियासी चर्चा में आया था। ये एक तरह की बीजेपी की रणनीति है जो बार बार अंजाम दिए जाने के बाद ऑपरेशन लोटस के नाम से फेमस है। ये विपक्षी पार्टी से विधायकों की जोड़ तोड़ से राज्य में कमल खिलाने की कला है, जिसे पहली बार लोगों ने 2008 में कर्नाटक में देखा था, जब उस वक्त बीजेपी को 225 में से 110 सीटें मिली थी और बहुमत के लिए 3 सीटें और चाहिए थी। ऐसे में कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने दल बदल विरोधी कानून को दरकिनार किया और 7 विपक्ष के विधायकों को अपने पाले में ले लिया। विधायकों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब खाली हुई 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ। अब इन सीटों पर उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया जो विपक्षी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे। अब इन्हीं नेताओं ने इन्हीं 7 सीटों पर बीजेपी के टिकट से दोबारा उपचुनाव में भाग लिया। इनमें से 7 में से 5 विधायकों ने जीत हासिल की। इस तरह से बीजेपी ने बहुमत का गणित पूरा कर लिया। 115 सीटों के साथ बीजेपी ने कर्नाटक में कमल खिला दिया और बीजेपी की इस तरह विपक्ष में सेंधमारी कर दल बदल विरोधी कानून से बचते हुए सरकार बनाने के फॉर्मूले को ऑपरेशन लोटस कहा गया, जिसे दोबारा से फिर 2018 में कर्नाटक में और 2020 में मध्य प्रदेश में देखा गया। मध्य प्रदेश में तो 1.5 साल से चल रही कांग्रेस की सरकार को गिराया गया था। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 114 सीटें मिली। उस वक्त बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। कांग्रेस नेता कमलनाथ सीएम बने, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान सीएम बने। इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीती और इसकी सीटें बढ़ गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव भी जीता और इस तरह से अगले 5 सालों के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी कमल खिला लिया। ऐसा ही कर्नाटक में भी हुआ। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली। वो बहुमत से 9 सीटें पीछे थी। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन बहुमत ना होने की वजह से 2018 में वो सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन किया, सरकार बनाई। 2019 में विधायकों के विद्रोह के बाद कांग्रेस की सरकार भी गिर गई। 13 कांग्रेस और 3 जेडीएस के विधायकों ने इस्तीफा जो दिया था, इस वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी। जुलाई 2019 आया, बीजेपी ने एक बार फिर सरकार बनाई और दिसंबर 2019 में हुए उपचुनावों को जीतकर बहुमत को बरकरार रखा और फिर इस तरह से कर्नाटक में कमल खिला दिया गया। ऑपरेशन लोटस का सीधा सा फंडा है, पहले विपक्ष के विधायक इस्तीफा देते हैं तो राज्य की कुछ सीटें खाली हो जाती हैं। इस तरह बीजेपी बहुमत में आ जाती है और जब खाली सीटों पर उपचुनाव होता है तो बीजेपी उन्हीं को उम्मीदवार बनाती है जो विपक्ष से अपनी विधायकी छोड़कर आए हुए हैं। उपचुनाव में कुछ सीटों पर जीत से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है और अगले 5 साल के लिए स्थिर सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन, नमस्कार।